गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 7 शशांक का पत्र रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें मोहन को पत्र लिखा जा रहा है शशांक के द्वारा, जिसमें होली के विषय में बताया गया। होली का त्यौहार आप लोगों को अच्छा लगता है ना? होली के त्यौहार पे किस प्रकार से कुछ बच्चे अज्ञानतावश हरे पौधों को भी काट देते हैं होली जलाने के लिए। ठीक है, उनको ज्ञान नहीं होता, इसके अलावा हुड़दंग भी बहुत होती है, पानी वेस्ट होता है। ठीक है, यही सब बातें इसमें बतलाई गई हैं। आगे चलिए हम लोग अभ्यास कार्य को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसका बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें टिक करना है जो सही ऑप्शन हो। ठीक है, का नंबर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। होली पर लड़कों की टोलियां प्रायः दिन भर क्या कार्य करती हैं? कठोर परिश्रम करती हैं, लकड़ियों की खोज में घूमती फिरती रहती हैं, लकड़ियां मांगती फिरती हैं। ठीक है, होली पर फर्स्ट नंबर, होली पर लड़कों की टोलियां प्रायः दिन भर क्या करती हैं? लकड़ियों की खोज में घूमती फिरती हैं। सही ऑप्शन ये रहेगा। सेकेंड नंबर, हरे वृक्ष काटने से क्या होता है? वातावरण साफ हो जाता है, धूप अधिक सुहानी लगती है, पर्यावरण की हानि होती है। सही ऑप्शन इसमें रहेगा, पर्यावरण की हानि होती है। थर्ड नंबर देखिए, लोग किसी भी कार्य में जल का प्रयोग करते समय संयम से काम लेते हैं, उसके पर्यावरणीय महत्व की प्रायः उपेक्षा करते हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं। सही ऑप्शन रहेगा ब नंबर। ठीक है, उसके पर्यावरणीय महत्व की प्रायः उपेक्षा करते हैं, ये सही ऑप्शन रहेगा। फोर्थ नंबर देखिए, पर्यावरण प्रेमी होने का अर्थ क्या है? स्वयं से प्रेम करना भी है, स्वयं से प्रेम करना, सभी से प्रेम करना भी है, केवल पेड़ पौधों से प्रेम करना है। सही ऑप्शन इसमें रहेगा ब, सभी से प्रेम करना भी है। ख नंबर देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर, होली खाली स्थान का त्यौहार है, इसमें से फर्स्ट नंबर रहेगा प्रेम का त्यौहार है। सेकंड नंबर, होली के प्रेम को खाली स्थान बड़ी हानि पहुंचाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? हुड़दंग। होली के प्रेम को हुड़दंग बड़ी हानि पहुंचाता है। थर्ड नंबर, हमें प्रत्येक त्यौहार इस रूप में मनाना चाहिए कि खाली स्थान की हानि न हो। सही ऑप्शन रहेगा पर्यावरण। हमें प्रत्येक त्यौहार इस रूप में मनाना चाहिए कि पर्यावरण की हानि न हो। इन दिनों हम, फोर्थ नंबर देखिए, इन दिनों हम खाली स्थान के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, किस दौर से गुजर रहे हैं? जल संकट। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा, जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। फिफ्थ नंबर, दीपावली पर पर्यावरण की सर्वाधिक खाली स्थान होती है, क्या होती है? दीपावली पर पर्यावरण की सर्वाधिक हानि होती है। कैसे होती है? पटाखे जलाकर। ठीक है, ग नंबर देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट नंबर, आज विभिन्न रूपों में पर्यावरण की हानि निरंतर देखने को मिलती है, ये सही है। होली के नाम पर लड़कों की टोलियां हरे पेड़ काट कर जला देती हैं, सही है। थर्ड नंबर देखिए, लोग अपने वाहन धोने में प्रायः जल का दुरुपयोग करते हैं, सही है, ये सही ऑप्शन रहेगा। फोर्थ नंबर, कूड़ा कचरा नालियों में बहाने से उसे सही स्थान मिल जाता है, गलत है। घ नंबर देखिए, रेखा खींच कर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। फर्स्ट नंबर, मैं तुम्हारे, सही ऑप्शन इसमें रहेगा पर्यावरण प्रेम से परिचित, फर्स्ट नंबर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, कई स्थानों पर होली की आग से ये बिजली के तार भी जल जाते हैं, ये फर्स्ट का रहेगा ये ठीक।
सेकेंड का ये। थर्ड में देखिए, हमें प्रत्येक त्योहार पर्यावरण स्वच्छता की दृष्टि से मनाना चाहिए। नल की खराब टूटियों से पानी की व्यर्थ में बर्बादी होती है, ठीक है। जो खराब टोटियाँ होती हैं, यदि उसको दुरुस्त जल्दी ना किया जाए तो उससे पानी बर्बाद होता रहता है। फिर देखिए फिफ्थ नंबर, होली के हुड़दंग में लोगों के बीच क्या होती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। ये मौखिक क्वेश्चन देखिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए, ठीक है। आपूर्ति, मच्छर जनित संवेदनाएं, उत्साहित, निर्बाध हुड़दंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।